आप कैसे लगा कि आपको काम करना चाहिए? पूनम दीदी आई, थोड़ा सपोर्ट दी कि मतलब तुम लोग को बाहर निकलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। पूनम दीदी है, वो भी जाती है तो उन्हीं लोगों के देखा से हम लोगों को भी छूट मिली है। मेरी मम्मी भी जैसे वो पढ़कर इतना बड़ी वहाँ तक पहुँचे, इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि वहाँ तक हम लोग भी पढ़कर उनसे आगे भी बढ़ सकें। उनकी दिक्कत देखी से सारे हमारे समाज के लोग भी अपने लड़कियों को बाहर भेजना शुरू कर दिए, पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। मेरा नाम पूनम है और ग्राम धना है। मैं यहाँ GBS में करीब 5 साल से काम कर रही हूँ। काम ये होता है कि जैसे जागरूकता का काम होता है, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम होता है, सरकारी योजनाएं जो आ रही हैं उनके बारे में बताना होता है संगठन बना के। पहली लड़की थी जो मैं गांव से निकली, पापा के भाई लोग थे, हमारे दादाजी थे, मतलब इन लोगों का विरोध था कि गांव से लड़की निकल रही है, घर से लड़की निकल रही है तो हमारी इज्जत खराब होगी। उसके माँ बाप से बात किए तो सवाल यही निकल करके आया कि बिटिया कैसे अकेले जाएगी। हमने जो है उनको विश्वास दिलाया, हिम्मत दिलाया कि आपकी बिटिया को कुछ नहीं होगा, आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है और पढ़ाने लिखाने का क्या मतलब है। तो धीरे धीरे मेरे ऊपर उन लोगों का विश्वास बढ़ा और अपनी लड़की को पूनम कुमारी को जो है काम में भेजने लगे लोग। 5 सालों में मैं मेरे घर का सपोर्ट रहा कुछ कि हाँ बाहर निकलो, बाहर कुछ करो। और ये देखते हुए गांव के कुछ मतलब सम्मानित लोगों ने, बड़े लोग कास्ट के लोगों ने चाह के क्यों हम ये घर से बाहर निकल लिए, घर में रहे, तो उन्होंने कुछ लड़कों से घिरवा के और मतलब झगड़ा लड़ाई करने पे भी मजबूर किए। उस समय मैं इतना समझ तो नहीं पाई, लेकिन फिर भी जो हुआ मुझसे मैंने किया, उन लड़कों को मारी भी, फिर थाने पे मैंने रिपोर्ट किया। थाने पे जब गई तो थाने से ऑफिसर लोग आए, फिर उन्होंने उन लोगों से पूछा, लड़का पकड़ के भी गए। हौसला यही था कि जब जितना लोग मुझे परेशान करते थे तो ये उम्मीद था कि चलो परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ करूंगी तो शायद ये लोग शांत हो जाएं। और हकीकत ये चीज़ था कि जितना लोगों ने मुझे कहा और जितना गाली या भद्दी भद्दी बातें बोली, आज मुझे यहाँ तक पहुँचाई। जब तक समाज में लड़कियाँ निकलेंगी नहीं, कुछ समझेंगी नहीं, कुछ कानून के बारे में नहीं जानेंगी, तब तक इसी तरह से उनके साथ व्यवहार होता रहेगा और इसी तरह से मारी जाएंगी। मैं जब घर से निकलती हूँ तो लोग पहले तो गालियाँ देते थे, लेकिन आज जो है वो रोक के भी पूछते हैं कि पूनम इस तरह की बात है या इस तरह का काम है। मैं ये कहना चाहूँगी जब तक लड़की बाहर निकलेगी नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकती, ना समाज का विरोध कर पाएगी और ना जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनका विरोध कर पाएगी। मैं ये सोचती रही कि मैं तो निकली हूँ, मैं अपने घर में अपनी छोटी बहन है उसको भी मैंने घर से निकाला, बाहर जैसे लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा। क्या किसी ने आपका समर्थन भी किया? सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे पापा का है। पापा आज भी कहते हैं कि बेटा घर से निकलोगे तो रास्ते में अगर हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो चीज़ अपने ऊपर लागू करो। रास्ते में जब निकलोगे तो बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे, अगर उसको अगर तुमने सह लिया और उसको समझ लिया तो कभी कभी तुम कामयाब होने से नहीं रुकोगे।